सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर हो। भविष्य की कोई भी बात तभी उपयोगी है जब उसके लिए वर्तमान में प्रयास किया जा रहा हो। आज का पंचांग 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 10:39 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 10:04 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:08 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। तुला राशि 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, यह समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल ही जाएगी। हालांकि अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाद में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इसीलिए परिश्रम करते रहें। वित्तीय स्थिति के लिए भी परेशान ना हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दादा दादी या किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु आपको घर वापस जाने के लिए प्रेरित करेगी। माता पिता और प्रियजनों के साथ होने से अकेलेपन या दुख से राहत मिलेगी। उज्जवल सपने आकर्षक दृश्य दिखाते हैं। अपने आप को आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विचारों के लिए समय दें। आज आपको पैसों की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अपने मानसिक बजट आय के स्रोत और खर्चों की समीक्षा करेंगे। योजना बनाकर ही नया ऑफिस या व्यवसाय शुरू करें। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। घर के रखरखाव और नवीनीकरण संबंधित योजनाओं को बनाने में समय व्यतीत होगा। किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में आपकी मेहनत कामयाब भी रहेगी, परंतु भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर अधिक विश्वास रखें। परिवार वालों से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन का उचित उपयोग करके अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। पुरानी आदतों को बदलने के लिए भी जोर देना होगा। एक जैसी स्थिति बार बार क्यों उत्पन्न हो रही है, इस बात का अवलोकन जरूर करें। काम से संबंधित प्राप्त हो रही यश की वजह से आपको प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। बच्चों की सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बदलते वातावरण का असर उनकी सेहत पर दिख सकता है, ध्यान रखें। किसी निकट मित्र से अच्छा सहयोग मिल सकता है। बकाया काम निपटाने में आसानी हो सकती है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने में सावधानी बरतें। अनाज मंडी के कारोबारियों के लिए अनुकूल हालात रह सकती है। फर्नीचर के व्यापारियों के लिए राहत का मार्ग खुल सकता है। मानसिक तनाव पर काबू रखें। कॉस्मेटिक सामान के दुकानदारों के लिए समय की अनुकूलता रह सकती है। ब्याज पर पैसे देने वाले के लिए समय ठीक है। गरिष्ठ भोजन से बचें। सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए अनुकूलता की स्थिति रह सकती है। संतान से संबंधित उत्साहवर्धक सूचना मिल सकती है। उत्साह बढ़ा चढ़ा भी रह सकता है। सावधानियां, किसी पड़ोसी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर कहा सुनी की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी और गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। युवा वर्ग वैध की गतिविधियों में ध्यान ना दें, अन्यथा कोई लक्ष्य हाथ से निकल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अभी का समय रोमांटिक माहौल के लिए अच्छा नहीं है और आपका संबंध एक लीक पर चल रहा है। शादीशुदा जोड़े
अपने रिश्ते में कम होते प्यार को थोड़ी सी कोशिश करके फिर से पैदा कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि प्यार से आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां पैदा हो रही है, जिससे आपको परेशानी हो रही है, लेकिन धीरज रखें और इस अस्थायी चिड़चिड़ेपन के दौर से निकलने तक शांत और सहनशील बने रहें। मोहब्बत में मिली धोखेबाजी या ठगी आपकी जिंदगी में मुश्किलें उत्पन्न कर सकती है, लेकिन इनसे ना डरें। आपका आपके साथी के प्रति भरोसा इतना टूट होना चाहिए जो किसी भी अफवाह से ना टूट पाए। लव लाइफ में यौन सुख या अंतरंगता का आनंद लें। आज जब भावनात्मक जरूरतों के मुकाबले भौतिक आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देंगे, आप मानसिक बजट और अन्य खर्चों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। दोनों साथ बैठकर विचार करेंगे तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। साथ में शॉपिंग जाना या एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखना भी आपके रिश्ते में नई जान फूंक सकता है। अपनी योजनाओं और कार्य प्रणाली को जीवन साथी तथा परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें, निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। प्रेम संबंध में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। बात करते हैं करियर की। इस समय व्यवसाय संबंधित कोई भी काम करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। ऑफिस में किसी भी प्रोजेक्टों को फाइनल करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य करें। आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना टीओ के कुछ बिताने के बाद अब वापस अपने कार्य करने की शैली में आ गए हैं, लेकिन आपके ग्राहकों सहयोगियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता। उन्हें समझें और उनकी समस्याओं के प्रति सम्मान दिखाएं। उन्हें कार्यों से हटकर कुछ मानसिक शांति देने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। यह समय विदेशियों के साथ दीर्घकालीन निवेश के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि आपका भाग्य अभी आपके साथ है। आज कोई रहस्यमय घटना आपको अपने सपने पूरा करने की प्रेरणा दे सकती है। अभी कीमती सामान की खरीदारी या बिक्री से बचें। आपने अपने कार्यस्थल में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है वो आपको भौतिक सुरक्षा देगी और आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। अपने प्रभावित करने वाली वार्ता से आप अपने इंटरव्यू प्रेजेंटेशन और मीटिंग में लोगों को प्रभावित करेंगे। यह समय अवसरों का सदुपयोग करने का है ताकि आपको हर कार्य में सफलता मिले। इस वक्त किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित कई लोग कर दे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र पर ही ध्यान दे। पब्लिक डीलिंग और मीडिया संबंधित कामों में बहुत ध्यान दे। इस समय फायदा होने की संभावना है। ऑफिस का माहौल पॉजिटिव रहेगा। अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत भी बन सकते हैं। ध्यान दें। बात करते हैं सेहत की। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। मुलेठी की चाय भी फायदेमंद रहेगी। इससे आपके पेट की स्थिति भी ठीक रहेगी। अगर आप ये पदार्थों जैसे चाय, कॉफी आदि की मात्रा बढ़ाते हैं तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करें। इसके लिए अगर रोज ना हो सके तो तामे एक दिन योग के लिए जरूर रखें। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।